हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ फिल्म लाइफ में आप सबका स्वागत है। और ये दिवाली का सेकंड डे है, मतलब नरक चौदस वाला दिन। इस दिन हम लोगों ने चावल आटा मतलब चौसेले से स्टार्ट किया था। ये छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनल डिश में से एक है, ये भी चौसेला। बहुत लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते उसकी मैं रेसिपी इसमें शेयर की हूँ। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रोपोर्शन में मैंने डाल दिया किस तरीके से इसको बनाना है। और इसको बनाने के लिए आप गर्म पानी का यूज़ करेंगे, ठंडा पानी इसको नहीं बनाते हैं। और गर्म पानी में इसमें पेस्ट को अच्छे से मिला लीजिए और उसका परफेक्ट डो बनाना है। टाइट डो बनाना पड़ता है, इसमें कस्तूरी मेथी और मीठा थोड़ा डालना ज़रूरी है। कस्तूरी मेथी नहीं होगा तो भी चलेगा, बट आप डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा आता है। और एक प्लेट पर निकाल लीजिए, निकालने के बाद उसको अच्छे से टाइट डो बनाना। पूड़ी का जैसे बनाते हैं ना वैसे इसको ढीला नहीं करेगा, वरना ये तेल में जाकर फैल जाएगा और ये अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरीके से आप टाइप बनाने के बाद इसको पन्नी से इस टाइप का ट्राई करिएगा, ये बहुत परफेक्टली बनता है। बेलेंगे तो बेला तो जाएगा, वरना वो किनारे से फट जाता है। इस तरीके से बनाइएगा, न्यू टेक्निक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद कोई भी चटनी से ट्राई कीजिए, आप खाइए, बड़ा टेस्टी लगता है, सबको पसंद है हमारे यहाँ पे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और फिर वो उस दिन था हमारा ये फ्लावर वाले रंगोली के साथ, वो जो हमने पहले डे बनाया था ना धनतेरस से, वो तो था ही सामने, उसको मैंने मिटाया नहीं था। और ये जो था ये सेकंड डे का था, जो घर के अंदर ही बनाया था। और ये पूजा होती है हमारी यम पूजा, मतलब नरक चौदस वाले दिन इस मिट्टी के दिए से बनाया जाता है दिया, और फिर यम लोग जो रहते हैं ना उनके लिए पूजा की जाती है इसको। बनाने के लिए आप इस तरीके से रंगोली बनाइए, मतलब इसको चौक बोलते हैं ना, वो बनाना पड़ता है, वो बनाइए इसको। मैं इस पूजा को आप कोई भी कर सकते हैं, और नहीं भी करते होंगे वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है इस पूजा को। और फिर उस दिन ऐसा था ना कि इतना हवा चल रहा था कि वो दिया जल ही नहीं पा रहा था। फाइनली जला, एक एक करके हम लोग उसको जला रहे थे, जला और फिर पूजा हो गया अच्छे से। और उस टाइम साइड में मैंने देखा आरव इतना बदमाशी कर रहा था, स्लाइडिंग के उल्टा जा रहा था, इतना बदमाश है ना, बहुत ज़्यादा। इसकी एक वीडियो क्लिप है, मैं इस पर डाली हूँ, इतनी हंसी आएगी ना आप लोगों को देख के। आगे में है वो, पूरा देखिएगा, आप सब बहुत हंसने वाले हैं उससे। और मुझे ये बोल रहा था बुआ यहाँ पे हो, यहाँ वीडियो बनाओ, क्योंकि इसको हर एक झूले पे वीडियो बनाना था। अब देखिएगा हर झूले पे जाएगा और वीडियो बनवा रहा है अपना हर एक में। दादू को जाके बोलता है कि इसमें भी मेरे को बैठाओ ना, इसमें भी वीडियो बनाना है मेरे को, मतलब उसको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ उसके लिए। बहुत बदमाश है और बहुत ज़्यादा बाय माइंड वाला है, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं आ गई ऊपर, अब फाइनल लुक है मेरे रंगोली का, मैंने दिखाना भूल गया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फाइनल लुक था, बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर बना था। और ये वीडियो शायद मैं डाली हूँ शॉर्ट्स पे, आप देखिएगा। और फिर ये मम्मी इस वायर वाले लाइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे पकड़ाया था, अपने हाथ से टच भी नहीं करवाई थी, बस ऐसे पकड़ी हुई थी। और ये रंगोली है मेरी सिस्टर की, जो उसकी फर्स्ट दिवाली थी ससुराल में, और वो बहुत अच्छा रंगोली बनाती है। और ये रंगोली है उसका। आज दिवाली वाला दिन और मैं अभी थोड़ा टाइम पहले उठी हूँ 10 बजे करीबन, क्योंकि मेरा कुछ ऑफिस का काम था जो रात को कंप्लीट करते करते बहुत लेट हो गया था, ऊपर से एडिटिंग बची हुई थी वो सब करना था, तो बहुत सुबह ही सोई हूँ ऑलमोस्ट, इसे थोड़ा लेट हो गया। आज के दिन उठना मुझे ही बुरा लग रहा था। और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको रेडी होके, ऐसे विश करना आपको अच्छा नहीं लगेगा मुझे। और ये है आरव, आरव विश कर दो, आप रेडी हो ना, विश कर दो, हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको। और ये है हमारा दिवाली स्पेशल थाली, ये सब कुछ बना था आज दिवाली वाले दिन। बेबी रोटी करा मैं, फूक लो, फूको रोटी को, फूको, और फूको ना, और फूको ना प्लीज। बुआ के हाथ से खाएगा।
बहुत ही आता है ये हाथ। हाँ वाला हाथ है ये बहुत ही आता है। आप लोगों को भी हंसी आई होगी ना उस वीडियो से, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी, इनफैक्ट अभी भी आ रही है। और ये था तोरण जो मैंने बनाया था 1 घंटे की मेहनत के बाद, बहुत अच्छा था। अब मैं पहले रंगोली बनाने के पहले उसको ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं उसको फिल करती हूँ, वरना मुझसे बनता नहीं है, आपसे बन जाता होगा और मुझसे नहीं बनता है। और ये बहुत 2 घंटे मेहनत के बाद फाइनल लुक है मेरे रंगोली का, कैसा बना बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। भाभी अंदर बना रही थी रंगोली और हम तैयार होने चले गए। तैयार होने के बाद ये मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था और ये हमारा आरती का थाली था। हैप्पी दिवाली। पूरा डेकोरेशन के बाद जब इसमें हम दिए रखते हैं ना, तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं रंगोली पे, मुझे बहुत पसंद है। फिर हम जा रहे थे फटाके के लिए, इस बार फटाके बहुत कम आए थे, बहुत कम मतलब 5% आए होंगे। इतना ज़्यादा फटाके आते हैं हर साल हमारे घर पे, मैंने ही मना किया था कि नहीं आएगा, क्योंकि इस बार बिल्कुल मन नहीं था फटाके फोड़ने का, इसलिए हम थोड़े फूलझड़ी वगैरह ही मंगवाए थे, इसी को इन्जॉय किया हम लोगों ने। और सब बड़े बड़े फटाके जो 22 वाले थे, कुछ भी नहीं मंगवाया मैंने। और बस ये आ रहा हूँ थोड़ा सा पटाखा फोड़ते हुए। बेबी इधर इधर इधर, ये तो फ्रेंड्स हमारी दिवाली यहीं पे ख़त्म होती है। मैं मम्मी पापा हमने रोड साइड भी देखने गए थे कि कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, तो वहाँ भी इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, लग नहीं रहा था कि रात हो चुका है, बहुत रात हो गया था, 12-1 बजे कुछ का टाइम था। ये बहुत मज़ा किया। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली बोला जोर से। हैप्पी दिवाली आप सभी को। हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली प्यार कर दो।